सरकारी अधिकारी और कर्मचारी जब अपना काम बखूबी नहीं कर पाते हैं और उनकी लापरवाही मीडिया जब देश और प्रदेश के सामने लाने की कोशिश करती है तो उल्टा उन्हें ही धमकाकर मामले को दबाने का प्रयास किया जाता है। एक तरीके से कहा जाए तो उल्टा चोर कोतवाल को डांटे वाली कहावत यहाँ पूरे तरीके से चरितार्थ होती नजर आती है। मामला हिसार जिले के उकलाना खंड में बने खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के गोदामों का है, जहाँ मीडिया की टीम बरसात के बाद भंडारण की ग्राउंड रियलिटी का पता करने पहुंची थी। गोदाम में मौके पर कोई भी अधिकारी मौजूद नहीं था, सिर्फ चतुर श्रेणी के कर्मचारी ही तैनात थे। हमारे संवाददाता ने ग्राउंड रियलिटी में जो पाया वह यह था कि बारिश के कारण गोदाम का गेहूं काफी हद तक खराब हो चुका है और उसमें नमी की मात्रा का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि बोरियों में बंद गेहूं अंकुरित हो गया है। जैसे ही मीडिया के लोग अपनी स्टोरी को कवर करके वापस मुड़े, तभी फूड एवं सप्लाई डिपार्टमेंट के एक अधिकारी का कॉल आया, जिन्होंने अपने आप को वहां इंस्पेक्टर के रूप में तैनात बताया। अधिकारी ने धमकाने वाले अंदाज में मीडिया के लोगों से कहा कि वह किसकी परमिशन से उनके गोदाम में घुसे थे। जब पत्रकारों ने उनसे कहा कि वह सिर्फ बरसात के दिनों में भंडारण की स्थिति की ग्राउंड की रियलिटी चेक करने आए थे, तो अधिकारी जी इस बात पर और अधिक उखड़ गए। अधिकारी ने गोदाम को अपनी पैतृक जगह बताते हुए कहा कि यह मेरा घर है और मेरे घर में घुसकर तो बताओ, फिर मैं तुम्हें बताता हूँ कि कैसे पत्रकार बने फिरते हो। अपने आप को खाद्य एवं आपूर्ति विभाग में इंस्पेक्टर बताने वाले रामफल नामक अधिकारी ने स्थानीय पत्रकार को इतनी तक धमकी दे डाली कि अगर हिम्मत है तो दोबारा उनके गोदाम में घुसकर दिखाओ। हालांकि इस दौरान स्थानीय पत्रकार उन्हें बार बार संयम बरतने की अपील करता रहा, लेकिन अधिकारी जी पर तो शायद उनके पद का गुरूर इतना हावी था कि उन्हें यह भी नहीं सूझा कि वह लोकतंत्र के चौथे स्तंभ से किस तरीके से दुर्व्यवहार कर रहे हैं। एक तरफ इस देश और प्रदेश में लाखों करोड़ों लोग हर रोज भूखे सोते हैं, दूसरी तरफ अनाज की सरेआम बर्बादी हो रही है। यह कोई अस्कमात समय में नहीं बल्कि मानसून की बारिश है, क्योंकि मानसून के समय लंबे समय तक चलने वाली बारिश के दिनों में खासकर खुले में पड़े गेहूं के रखरखाव में और अधिक ऐतिहासिक बरतने की आवश्यकता होती है, जिसकी जानकारी विभाग के तमाम अधिकारियों और कर्मचारियों को भी होती है। लेकिन करोड़ों रुपए के गेहूं को इस तरीके से लापरवाही से खराब करने और बाद में एक्सपोज होने के डर से मीडिया को दबंगई दिखाकर धमकाने वाले इन अधिकारी पर शायद किसी तरीके का कोई कानून लागू नहीं होता। हालांकि हमारे संवाददाता ने इस पर पूरे मामले पर खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के इंस्पेक्टर रामफल सिंह से टेलीफोन पर बात की तो वो पूरे घटनाक्रम से ही नाकार गए। उन्होंने बताया कि खराब गेहूं के गोदाम की जो वीडियो है वह उनका नहीं है बल्कि किसी अन्य भंडारण एजेंसी का है, जिसका गोदाम भी उनके साथ ही लगता हुआ है। रामफल सिंह जी ने कहा कि उन्होंने किसी भी तरीके से पत्रकारों के साथ कोई दुर्व्यवहार नहीं किया है। पहले आप हमारे संवाददाता की खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के इंस्पेक्टर रामफल सिंह से टेलीफोन पर हुई बातचीत सुनिए। हेलो, हेलो, हाँ कुंडू साहब। हाँ जी, मैं इंस्पेक्टर फूड सप्लाई उकलाना बोलूंगा जी। हाँ जी बोलिए सर। गोदाम ना गए थे आप मारा में? हाँ। क्या बात है? बस देखने गए थे कैसा क्या कुछ। के देखे पर ठीक है, रख रखाव देखने गए थे। ये कम से पूछ तो लेते हमारे से, मैं गोदाम में बड़ू हूँ। बढ़ना हमको चोर थोड़े हैं जी। चोर थोड़ा कर रहा हूँ मैं, चोर हूँ। और नहीं नहीं नहीं, चोर थोड़ी कर रहा हूँ आपने। और आप तो बात तो ऐसे ही कर रहे हैं। नहीं नहीं ऐसा है, हमारे गोदाम में जब आप गए एंट्री करी है तो उनके पूछ रहे थे भाई, हम पत्रकार हैं, हम यूं देखने आए हैं। हाँ। तो कोई फर्ज नहीं बनता आपका? ना अधिकारियों से जरूरत नहीं था, सिर्फ गोदाम के। नहीं नहीं, ये गलत कर रहे हो आप, ऐसा नहीं करना चाहिए आपने। आप देखो कोई बात नहीं, फिर कम से कम हमारे आदमी थे और बैठे थे आदमी, उनसे पूछ लो। नहीं नहीं, जो हमने मौके भी ये देखना था कि गोडाउन की स्थिति क्या है। सुनो मेरी बात, आप मौके पर देखना था, कम से कम हमारे इतला तो कर दो, हमारे फला आदमी है फला ये देखने का तला यहाँ। हमने जो मौका वारदात देखनी है। मौका वारदात किस बात की? मौका वारदात एक मिनट, मौका वारदात किस बात की? मौका वारदात थी आप बताओ ना भाई, यही की बारिश का मौसम है, क्या वहाँ स्थिति है? फिर स्थिति है तो हमसे बता दो, हम पत्रकार है भैया, मंदिर देखेंगे। यूं थोड़ा अगर आप तो हम इसका मतलब हम ही चोर हैं? मैंने तो नहीं बोला ऐसा आपको, जैसे आप कह रहे हो ना भाई, मतलब अंदर गए चौंके चुपड़े चोर हैं। फिर आप ही पूछ रहे थे, हमें पूछ के जाना चाहिए ऐसा? हाँ जाना चाहिए, पूछ के बिल्कुल, हमारे घर में आप घुसना करे हो तो पूछ के जाना चाहिए आपने। नहीं आपके नहीं 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 बिल्कुल गलत है, ऐसा मत करो आप। नहीं नहीं नहीं, आप क्या, आप क्या कहना चाहते हैं? मैं कुछ नहीं कहना चाहता, कम से कम आप देखो कोई बात नहीं। हाँ भाई आप है ना, ये तो बताते हैं हमारे को भाई, हमें गोदाम के अंदर जाना लग रहे हैं भाई, ये चीज देखनी हमने। नहीं वहाँ पे आपके आदमी थे मौके पे? मौके पे आपने बताया, आप सीधे चले गए आप तो गोदाम के अंदर।
नहीं, हमें वहां पे जो हमारा काम था वो करके हम निकल लिए, हमने नहीं, ऐसा काम नहीं करना चाहिए ना आपने, जो अपना आपका अपना काम करके निकल गए हम वहां से। हाँ तो फिर आप बताओ ना, आप क्या चाहते हैं? मैं कहने लग रहा आप ऐसा है भाई, हमारे गोदाम के अंदर आने लग रहे हो आप। हाँ। ये तो बताओ, हम फला आदमी है भाई, ये देखने के लिए आए। हाँ तो बताया हमने वहाँ पे आपके जो लोग। कहाँ बताया? मेरे अभी फोन आया मेरे पास। तो आया आपके दो चौकीदार थे, हमने उनसे ये भी पूछा कि आप दिन के हो रात वाले हो, उन्होंने कहा हम दिन वाले, हमने कहा जी हम पत्रकार। नहीं, बिल्कुल ऐसा है, आपने ना जब एंट्री करे उस टाइम बताना चाहिए हम फला आदमी है। नहीं आपके गेट पे हमने बताया आपके चौकीदारों का हम पत्रकार, और इसमें आप क्या, आप क्या, आप बताओ ना आपका समस्या क्या है वो बताओ। कोई समस्या, समस्या कोई नहीं, घर में बड़ा समस्या नहीं होती। हाँ तो बताओ समस्या ना, तो क्या समस्या उठा तो है। है? क्या उठा लिया आपका घर में? तो उठाओ, उठाने कौन देगा जी आपने? हाँ तो उठाने के लिए आए नहीं ना अगर ऐसा है, मैं वही बात करूँ, उठाने के लिए आए नहीं, वही बात मैं कह रहा हूँ। आपने काम है कि ना अपना काम अपने पास रखिए प्लीज। ना 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 ना, ठीक है ना, अपना काम अपने पास रखिए, अपना काम कीजिए। कोई नहीं, आप अपना करो, हम अपना कर रहे हैं। धमकी मत करो आप, समझ धमकी नहीं दे रहा मैं। नहीं नहीं आप तो सरे अब बढ़ के दिखाओ आप, अब बढ़ के दिखाओ आप बगैर पूछे। मैं अभी आ रहा हूँ, आप बुलाओ, आप बढ़ के दिखाओ आप बगैर पूछे। आ जाओ फिर, आ जाओ, आप पूछ के बताओ ना, पूछ के बढ़ो ना, ये थोड़ा वही करते हैं बात। ये लग रहे हो आप, अभी आ रहा हूँ मैं अखबार, आप अभी आ रहा है, जानते इन बात की मैं कौन दरिया, अभी ना, आ रहा हूँ मैं। ये धमकी मत दीजिए अब इंस्पेक्टर, धमकी धमकी जरूर, आप धमकी बात करें, मैं उनको गोदाम में कौन बढ़ दूँ? हाँ तो कोई नहीं फिर, धमकी बात कर रहे हो आप, तो आ जाओ फिर वहाँ पे, आप बड़ा पत्रकार है। हाँ तो आ जाओ ना फिर आप वहाँ। इस घटना के बाद जिले के पत्रकारों में गहरा रोष व्याप्त है और जल्द ही जिला उपायुक्त को मिलकर संबंधित बदतमीजी अधिकारी की शिकायत सौंप जाने पर विचार किया जा रहा है, ताकि ऐसे बेलगाम अधिकारियों पर कठोर से कठोर कार्रवाई हो सके। अब देखना यह है कि जीरो टॉलरेंस नीति पर काम करने का दावा करने वाली सरकार इस तरीके के बदतमीज अधिकारी पर किस तरह की कार्रवाई कर लगाम कसती है। यह फिर हमेशा की तरह इस बार भी यह मामला रफा दफा कर दिया जाएगा। हरियाणा वेलफेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन के चेयरमैन श्री निवास गोयल ने इस मामले को लेकर कहा कि सरकार ने सभी सरकारी गोदामों में अनाज की सुरक्षा के लिए हर तरीके की व्यवस्था कर रखी है और वहां तैनात कर्मचारियों को इसके लिए हर संभव कदम उठाने चाहिए, जो उनकी ड्यूटी भी है। पत्रकारों के साथ हुए दुर्व्यवहार मामले में कॉरपोरेशन चेयरमैन श्री निवास गोयल ने कहा कि इस मामले को लेकर वो संबंधित विभाग के मंत्री महोदय से चर्चा कर यह घटना उनके संज्ञान में लाएंगे। साथ ही बताया कि उन्होंने संबंधित जिला खाद्य एवं आपूर्ति अधिकारी को फोन कर आरोपी इंस्पेक्टर के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए आदेश दिए हैं। एक तरफ सरकार जहां लाखों रुपए खर्च करके गेहूं के भंडारण कर रख रखाव के लिए और बारिश में विशेष तरह के विशेष ध्यान रखा जाता है, वहीं उकलाना के जो फूड सप्लाई में है बहुत सारी अनियमितताएं पाएगी। और जब मीडिया ने उसके कवरेज करना चाहा तो वहाँ पर जो इंस्पेक्टर है, फूड सप्लाई इंस्पेक्टर है रामपड़, उन्होंने मीडिया के साथ बदतमीजी की, और उसको इस पर आपके क्या रुख है, क्या कार्रवाई की जाएगी? देखिए, बदतमीजी करने का किसी को अधिकार नहीं है। उसने उसको आपसे बात करनी चाहिए थी, बात करके जो आप देखना चाहते उसको दिखाना चाहिए था, और उसके कर्मचारियों को दिखाना चाहिए था। और आप जो क्या अनियमितताएं देख का है ये जरा बताइए मेरे को, बताइए क्या क्या चीज़ देखा आपने? वहाँ पर जो गेहूं लगी हुई है वो नमी के कारण अंकुरित हो चुकी है, बहुत नीचे की जितनी लाइनें हैं उसमें अनाज मतलब जो है भीग करके पैदा हो चुका है, अंकुरित हो चुका है। और इस प्रकार पहले जब बारिश थी उस टाइम वहाँ पे शायद वो ढका हुआ भी नहीं था, इस प्रकार की बहुत सारी अनियमितताएं वहाँ। देखिए सरकार सब चीज़ इनको तरपाल भी अवेलेबल कराती है, सब गोदाम के अंदर भी है, बाहर भी प्लंथ लगे हुए हैं, स्टॉक ज़्यादा था बाहर भी लगे हुए हैं, किंतु उनको ढकने का पूरा इंतजाम है। अगर पूरा इंतजाम ही हो तो करोड़ों रुपये का गेहूँ खराब हो जाए, तो इसमें अगर किसी ने बदतमीजी की है या किसी की लापरवाही है वो अब मंत्री के संज्ञान में लाएंगे, मंत्री में संज्ञान में ला करके जो भी कार्रवाई होगी करेंगे। DFSC से मैं अभी बात करूँगा, DFSC से बात करके इस बात को संज्ञान में जो आपने बताया है इस बात को पूरी जाँच पड़ताल की जाएगी, जांच पड़ताल करके जो भी दोषी होगा कड़क गेहूँ के रख रखाव में भी, और आपके साथ बदतमीजी की जो बात आई है उसके बारे में मैं DFSC साहब बात करके अभी पूरा सुना। वहीं युवा कांग्रेस के पूर्व हलका अध्यक्ष सुरेंद्र लितानी ने कहा कि मीडिया का अधिकार है कि वो किसी भी मामले को लेकर उसकी पड़ताल कर सच्चाई को सामने ला सकता है, और आज की घटना में जिस तरीके से अधिकारी ने मीडिया के लोगों के साथ दुर्व्यवहार किया है उसके खिलाफ सरकार को सख्त से सख्त कार्यवाही करनी चाहिए। सुरेंद्र लितानी ने कहा कि अधिकारियों की लापरवाही से हजारों टन गेहूं खुले में खराब हो रहा है जो किसानों ने अपने खून पसीने से मेहनत करके पैदा किया था।
सुरेंद्र लितानी ने कहा कि वह इस मसले पर कार्यवाही के लिए अपने कांग्रेस पार्टी के समस्त साथियों के साथ ही जल्द ही मुख्यमंत्री और स्थानीय सांसद से मिल कार्यवाही की मांग करेंगे। देखिए, जो हमारे मीडिया के साथी है वो स्वतंत्र है, कहीं भी जा सकते हैं और अपने जो उनकी जिम्मेवारी भी है इस इलाके में, तो जैसे फूड एंड सप्लाई की जो बात आई, वे वहाँ हज़ारों टन गेहूँ बर्बाद हो चुका है, बारिश में भीगा हुआ है, तो हमारे जो उकलाना के पत्रकार साथी है उन्होंने वहाँ पर जा कर के वीडियो बनाई, चेक किया, तो उनका अधिकार है, इसे जो हमारा उकलाना ब्लॉक है जिम्मेवारी है उनकी, तो जो अधिकारियों ने बदतमीजी की उनके खिलाफ़ सरकार जल्दी से जल्दी कार्रवाई करे, क्योंकि बेलगाम हो चुके हैं यहाँ के जो कर्मचारी है पूरे हरियाणा प्रदेश का। तो हम कांग्रेस पार्टी की तरफ से भी मांग करते हैं कि उन जो अधिकारियों ने बदतमीजी भी की और जो जिम्मेवारी के पद पे भी यहाँ बैठे हैं उनकी जिम्मेवारी बनती है, तो जो किसानों की मेहनत से कमाया हुआ गेहूँ, हज़ारों टन गेहूँ किसानों ने यहाँ स्टॉक किया हुआ था तो सरकार के पास, तो वो बर्बाद हो चुका है, तो जल्दी से कार्रवाई की जाए, नहीं तो हम मुख्यमंत्री से मिलेंगे और यहाँ जो सांसद है यहाँ का उससे ही मिलेंगे। वहीं इस मामले को लेकर जब खाद्य एवं पूर्ति विभाग के जिला अधिकारी सुभाष सिहाग से उनका पक्ष जानना चाहा तो उन्होंने कहा कि यह मामला उनके संज्ञान में आ गया है और पीड़ित पत्रकार से ऑडियो रिकॉर्डिंग लेकर वह पूरे मामले की जांच करेंगे। आज उकलाना में ग्राउंड रियलिटी चेक करने हम लोग पहुंचे थे आपके गोदाम में, वहाँ दो खामियां हमें नजर आई। एक तो खुले में गेहूं रखा था जिसकी तिरपाल 50% अनकवर किए हुए थे, और दूसरी चीज जो थी कि जो गेहूं की बोरियां हैं उसमें से गेहूं में नमी की मात्रा इतनी दिखाई पड़ रही है कि वो अंकुरित तक हो गई। इसका कहता है कि जो वीट है हमारी, जो गेहूँ है, इसका ये जो है मॉइस्चर गेन करती है जैसे बरसात का सीजन होता है, जैसे मौसम खुलता है हमारी कोशिश होती है कि इसकी प्रॉपर एरिएशन हो, जो मॉइस्चर गेन की है उसको धूप लगे ताकि जो है मॉइस्चर कंटेंट उसमें कम हो सके। इसी दौरान एक बड़ा अजीब मामला हुआ कि जब पत्रकार साथी वहां से स्टोरी को कवर करके वापस मुड़े, उसी दौरान आपके ही विभाग के इंस्पेक्टर मिस्टर रामकल, उनका कॉल हमारे किसी साथी के पास आता है, वो बड़े बदतमीजी भरे अंदाज में उनको धमकाने की कोशिश करते हैं और चेतावनी लहजे में उन्होंने कहा कि दोबारा वो कैंपस में एंटर करते। ऐसा देखो, प्रॉपर इसकी जो है रिकॉर्डिंग जो भी है आपके पत्रकार साथी है उनसे हम प्रॉपर रिकॉर्डिंग या बयान लेंगे, जो भी उसके खिलाफ लीगल जो कार्रवाई बनेगी हम विभागीय कार्रवाई के लिए उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे।